आप सभी ने 2008 में जो हमला हुआ था मुंबई में उसके बारे में सुना ही होगा। 26/11/2008 में ये हमला हुआ था। बेसिकली एक टेररिस्ट अटैक था जिसमें 10 टेररिस्ट आए थे लश्कर ए तैयबा के। लश्कर ए तैयबा आप सभी को पता होगा एक टेररिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान में है, और इसको बनाने में ओसामा बिन लादेन ने काफ़ी सारे फंडिंग दिया था, और आज भी ये ग्रुप फंक्शनल है। पाकिस्तान से इनके लीडर काम करते हैं। इनका लीडर आपको पता ही होगा हाफिज़ सईद पाकिस्तान में खुले में घूमता है और स्पीचेस देता है कि मैं अब इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे वोट करना। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कौन से स्टेट में है, और एक दिन ऐसा भी आएगा पाकिस्तान ऐसे स्टेट कोलैप्स कर जाएगा। और बेसिकली इस टेररिस्ट अटैक के दौरान काफ़ी सारे लोकेशन में जैसे कि ओबरॉय ट्राइडेंट, ताज होटल, नरीमन हाउस में इन टेररिस्ट ने यहाँ पर खुले में यहाँ पर फायरिंग किया था, बॉम्बिंग किया था। ये सब हुआ था मुंबई में, और उसी के दौरान काफ़ी सारे लोगों को इन टेररिस्ट ने बेसिकली यहाँ पर होस्टेज बना लिया था, बंदी बना लिया था। और उन सबको छुड़ाने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। उसी के बारे में आज हम जानने वाले, पूरा जानेंगे इस ऑपरेशन के बारे में और इस हमले के बारे में। बने रहिए मेरे साथ। और ये पहला हमला नहीं था जो मुंबई में हुआ था, उससे पहले भी काफ़ी सारे हमले ऑलरेडी मुंबई में हो रहे थे। 1993 में हो गया जिसमें 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और जिसमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा यहाँ पर लोग इंजर्ड हो गए थे। और 2001 का जो संसद में हमला था आप सभी को पता होगा, उसमें पूरा हाथ था पाकिस्तान का, लश्कर ए तैयबा का। और फिर 2006 में भी 7 बॉम्ब एक्सप्लोड हो गए थे 11 मिनट के अंदर सुरभन रेलवे स्टेशन के पास में जो मुंबई में स्थित है। इसमें भी 2009 लोग यहाँ पर मारे गए थे जिसमें 22 फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड थे, और यहाँ पर 700 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इंजर्ड हो गए थे इस हमले के दौरान। और जो 2008 का जो हमला था वो काफ़ी खतरनाक था। खुले में यहाँ पर 10 आतंकी घूम रहे और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे, ये काफ़ी खतरनाक था। और इसमें भी पूरा हाथ था पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा का। 2008 में जो हमला हुआ था उसमें पूरा हाथ था पाकिस्तान का। 10 टेररिस्ट आए थे इस हमले के लिए, उनमें से 9 लोग को यहाँ पर मार दिया गया था और एक को यहाँ पर जिंदा पकड़ लिया गया था, उसको भी 2012 में फांसी दे दिया गया था। और उन सब का ट्रेनिंग कहाँ हुआ था, बेसिकली पाकिस्तान का एक रिमोट लोकेशन जो स्थित है मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में, उनका यहाँ पर ट्रेनिंग हुआ था। और ट्रेनिंग किस तरह से हुआ था ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। पहला होता है बेसिकली यहाँ पर साइकोलॉजिकल फेज। इसमें क्या होता है, उनको यहाँ पर इमेजिन करवाया जाता है कि देखिए दुनिया में मुस्लिम के खिलाफ काफ़ी सारी अत्याचार हो रहे हैं। जैसे कि उनको दिखाया जाता है कि फिलिस्तीन इशू दिखाया जाता है, चेचनिया हो गया, इंडिया में जो अत्याचार हो रहे हैं वो सब बेसिकली उनको दिखाया जाता है, जो कि दुनिया भर में नहीं हो रहे। पहला फेस होता है ब्रेन वॉश, बेसिकली उनका यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर दूसरा फेस होता है बेसिक कॉम्बैट। तीसरा होता है एडवांस ट्रेनिंग, जिसमें आपको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एक्सप्लोसिव बेसिकली यहाँ पर चलाना सिखाया जाता है। और चौथा होता है कमांडो ट्रेनिंग, और उसमें से कमांडो ट्रेनिंग के बाद उनको फाइनली यहाँ पर चुना जाता है किसी भी हमले के लिए। और पांचवा फेस होता है सबसे इम्पोर्टेंट, डेथ। उनको यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप मर जाते हैं काफ़ी लोगों को मारकर, तो आपको ये बेसिकली यहाँ पर जन्नत नसीब होगा। और मुझे नहीं लगता कि उनको यहाँ पर जन्नत नसीब होता होगा। नर्क भी बेसिकली यहाँ पर बहुत मुश्किल है इन सब हैवानों के लिए। बेसिकली उनकी ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर 10 लोगों को चुना गया था मुंबई हमले के लिए, और वो सब ट्रेंड थे, स्विमिंग कर सकते थे, वो सेलिंग कर सकते थे, और उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हो गया, आईडीज हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया चलाना बेसिकली उनको आता था, और वो एक्सपर्ट थे बेसिकली। और उनको यहाँ पर टारगेट थमाया गया था 4 लोकेशन का जहाँ पर उनको हमला करना था, ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी, ये 4 लोकेशन थे उनको बेसिकली यहाँ पर हमला करना था। 10 आतंकवादी अरेबियन सी के थ्रू एक मछुआरों का बोट हाईजैक करके वो पहुँच जाते हैं मुंबई। लगभग 8 बजा था वो मुंबई पहुँचते वक्त, और 26 नवंबर का ये रात था। 10 में से 2 आतंकवादी इस्माइल खान और अजमल कसाब चले जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन बेसिकली, और लगभग 9:30 बजे वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं और पैसेंजर हॉल की तरफ बढ़ते हैं और अपना AK-47 निकाल कर अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बूढ़ों पर, बच्चों पर, औरत, किसी को देखा ही नहीं, अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था।
जिधर जो मिला उसको मार दिया। और यहाँ पर 58 लोग मारे गए थे और 104 लोग यहाँ पर इंजर्ड हो गए थे। उसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी जाती है कि इस तरह का घटना हुआ है और पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है और एम्बुलेंस सब भी चीज़ वहाँ पर बेसिकली पहुँच जाते हैं। और अटैकर बेसिकली वहाँ से मूव करके दूसरे लोकेशन जहाँ पर उनको हमला करना है वहाँ पर चले जाते हैं। कामा हॉस्पिटल नेक्स्ट उनका लोकेशन था जहाँ पर उनको हमला करना था बेसिकली। CST पे हमला करने के बाद ये दो आतंकवादी थे अजमल कसाब और इस्माइल खान पहुँच जाते हैं कामा हॉस्पिटल। कामा हॉस्पिटल में उनका बेसिकली एक ही इंटेंशन होता है कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स मौजूद हैं उन सबको मार दिया जाए ताकि अगली बार कोई भी हॉस्पिटल आए तो उनके अंदर एक डर हो। बेसिकली यही इंटेंशन था इन दो आतंकवादियों का। बट हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल के स्टाफ ने काफ़ी अच्छा काम किया और पेशेंट्स को पहले ही छुपा दिया था ये टेररिस्ट पहुँचने से पहले। और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाता है और छोटा मुठभेड़ हो जाता है पुलिस और इन आतंकवादियों के बीच में। और एक आतंकवादी बेसिकली एक ग्रेनेड फेंक देता है जिसके कारण हमारे पुलिस वाले तीन पुलिस वाले यहाँ पर मारे जाते हैं। और इस हॉस्पिटल में बेसिकली एक डॉक्टर और दो पैरामेडिकल की भी बेसिकली यहाँ पर मार दिया गया था उनको भी। और ये जो आतंकवादी वहाँ से और बच कर निकल जाते पिछले के दरवाजे से वो निकल जाते। और जैसे वो पिछले के दरवाजे से निकल रहे थे उनको रोड में ही मिल जाता है पुलिस वैन। जैसे इन लोग ने पुलिस वैन को देखा तो तुरंत ही उस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया जिसमें हमारे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के मेंबर थे। आपको पता होगा कुछ इस तरह का आतंकवादी हमला होता है तो सबसे पहले पहुंचता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वही उस वैन में थे। और इस हमले के दौरान हमारे तीन जाबाज ऑफिसर हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक कामटे बेसिकली यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते। और एक जो ऑफिसर थे कॉन्स्टेबल अरुण यादव यहाँ पर वो पूरी तरह से घायल हो जाते और इन्होंने ही पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया है कि यहाँ से आतंकवादी निकल चुके हैं स्कोडा गाड़ी लेके, आप बेसिकली रोड ब्लॉक कीजिए और इन सबको बेसिकली जैसे भी आप पकड़ लीजिए। अरुण यादव ने ही कॉल करके पुलिस को बेसिकली यहाँ पर इन्फॉर्म किया था। जैसे ही यहाँ पर अरुण यादव ने कॉल किया पुलिस को तो तुरंत पुलिस हरकत में आ जाता है और रोड ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है पुलिस। और जैसे ही वो गाड़ी बैरिकेडिंग के पास पहुँचा तो पुलिस ने यहाँ पर उनको कहा कि जो भी गाड़ी में है बाहर निकल जाए, बट कोई गाड़ी से निकला नहीं। उससे शक और गहरा हुआ कि उसमें आतंकवादी छुपे हुए हैं। तो उस गाड़ी पे हमला किया गया और जैसे ही वो हमला किया गया था उसके दौरान आतंकवादी जो था जिसका नाम था इस्माइल खान वो इस हमले के दौरान मारा जाता है। बट अब गाड़ी के पास जाए तो जाए कैसे, गाड़ी में बॉम्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई यहाँ पर रिस्क लेने का तैयार नहीं था। बट हमारे जो हवलदार थे तुकाराम ओमले उन्होंने यहाँ पर साहस दिखाया और वो गाड़ी के पास गए और गाड़ी के दरवाजे को बेसिकली खोला। जैसे ही उन्होंने यहाँ पर गाड़ी के दरवाजे को खोला तो अजमल कसाब ने उन पर हमला कर दिया, AK-47 से हमला कर दिया जिसके दौरान उनका यहाँ पर ध्यान हो जाता है। बट जो अजमल कसाब था उसको यहाँ पर जिंदा पकड़ लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 आतंकवादी इस हमले के लिए आए थे जिनमें से दो की कहानी अभी हमने ख़त्म कर लिया है। अब बात करते हैं बाकी आतंकवादी जो गए थे अलग अलग लोकेशन पे, जैसे कि ताजमहल होटल, ऑपरेट राइडन, नरीमन हाउस। ये आतंकवादी होटल पहुंचते हैं और बंदूक लेकर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं कहीं पर और काफ़ी सारे एरियाज पे, एलिवेटर्स पे हो गया, रेस्टोर पे हो गया, लॉबी पे हो गया, हमला करना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी एरियाज पे लोकेशन किया जिसके कारण होटल में पूरी तरह से आग लग जाता है। तो पैरेलली ये आतंकवादी क्या कर रहे थे, काफ़ी लोगों को मार तो रहे थे ही बट कुछ लोगों को यहाँ पर ये बंदी भी बना रहे थे ताकि उनको यहाँ पर बचने में कुछ हेल्प हो, क्योंकि उनको पता था कि हम यहाँ से बचने वाले नहीं है तो हम क्या करेंगे, जितना नुकसान हम पहुँचा सकते उतना हम पहुँचाएंगे, उनका ये मानना था। तो रात में बेसिकली फायर फाइटर्स भी पहुँच जाता है और फायर फाइटर्स ने लगभग 200 बंदियों को या फिर होस्टेजेस को निकाला था और लेडर के हेल्प से, बेसिकली लेडर्स को विंडो में लगाया, विंडो से रेस्क्यू कर रहे थे काफ़ी सारे होस्टेजेस को, लगभग 200 होस्टेजेस को यहाँ पर बचा लिया था। नरीमन हाउस या फिर मुंबई चाबाड हाउस जो लोकेटेड है कोलाबा में, उस पर भी अटैक किया था इन टेररिस्ट ने जिसमें 6 लोग को मार दिया था इन टेररिस्ट ने और काफ़ी लोगों को यहाँ पर होस्टेज बना लिया था। बट ये लोकेशन पर क्यों अटैक किया गया था ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लोकेशन पर इसलिए यहाँ पर अटैक किया गया था क्योंकि
ये एक ज्यूइश सेंटर था, यहूदियों का सेंटर था। तो आपको पता ही होगा इसराइल और फिलिस्तीन का इशू, और पाकिस्तान तो काफ़ी चिढ़ता है इसराइल से, जानबूझकर इसीलिए इस लोकेशन पे बेसिकली अटैक किया था इन टेररिस्ट ने। फिर यहाँ पर शुरू होता है हमारा ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, जिसके दौरान जितने भी होस्टेजेस फंसे हुए थे होटल्स में, नरीमन हाउस में, उन सबको बचाना था, और जितने भी यहाँ पर आतंकवादी छुपे थे उन सबको ढूंढ ढूंढ के मारना था। इस ऑपरेशन का बेसिकली यही एक एम था। और एनएसजी कमांडो दिल्ली से पहुंच जाते हैं मुंबई, और नेवल हेलीकॉप्टर की मदद से एरियल सर्वे लिया जाता है इन सब लोकेशन का, और जितने भी होटल्स थे, नरीमन हाउस था, उन सबको चारों तरफ से घेर लिया था रैपिड एक्शन फोर्स ने, मराइन कमांडोस या फिर मार्कोस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने, और तीनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, और सभी यहाँ पर हमारे हॉस्टेजेस से उन सबको बचाया था और आतंकवादियों को मार गिराया था। और 29 नवंबर आते आते जितने भी होटल्स थे, ओबरॉय ट्राइडेंट हो गया, ताज होटल हो गया और नरीमन हाउस हो गया, उन सबको सिक्योर कर लिया गया था, और जितने भी हॉस्टेजेस फंसे हुए थे उन सबको बचा लिया गया था, और 9 आतंकवादियों के यहाँ पर मार गिराया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक यहाँ पर जिंदा पकड़ लिया गया था जिसका नाम था अजमल कसाब, बैरिकेडिंग के दौरान आपको मैंने जैसे बताया था। बट हमारे जो मेजर संदीप उन्नीकिशन थे एनएसजी कमांडो के, उनके साथी को बचाते वक्त उनको यहाँ पर गोली लग जाता है और उनका यहाँ पर देहांत हो जाता है। 29 नवंबर आते आते यह ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया था, या आखिर में ऑपरेशन हुआ था ताज होटल में, जहाँ पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया था एनएसजी कमांडोस ने, और ये ऑपरेशन को वहीं पर ख़त्म कर दिया गया था। एनएसजी ने लगभग 250 लोगों को बचाया था ओबरॉय ट्राइडेंट से, और ताज होटल से 300 लोगों को यहाँ पर निकाला था, और 60 लोगों को निकाला था नरीमन हाउस से। काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया था इस ऑपरेशन को एनएसजी कमांडोस ने, मार्कोस ने और रैपिड एक्शन फोर्स ने। और लगभग हमारे इस हमले के दौरान, पूरे हमले के दौरान आप बात करें तो 174 लोग यहाँ पर मारे गए थे, जिसमें सिविलियंस, सिक्योरिटी पर्सनल और अटैकर्स को भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ पर 29 फॉरेन नेशनलिस्ट की भी जान चली गई थी इस हमले, पूरे हमले के दौरान। अब देखते हैं जो हमला हुआ था 26/11 का 2008 में, उसके बाद क्या चेंजेस आए भारत में और क्या क्या हुआ बेसिकली, ये हम देखते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और भारत गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लॉस लाए और काफ़ी सारे चेंजेस लाए, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्पीड बोट खरीदे, हेलीकॉप्टर्स खरीदे कोस्टल एरिया की पेट्रोलिंग करने के लिए। इसके बाद जितने भी इस तरह के हमले हुए उन सब को डील करने के लिए एक फोर्स बनाया गया था जिसका नाम था फोर्स वन, और मुंबई पुलिस के वेपन्स को अपग्रेड किया नए लेवल तक। इसके बाद गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लॉस को पास किया, एंटी टेरर लॉस हो गया, और फेडरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भी स्थापना कर दी गई थी। और पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप तो काफ़ी ख़राब हो गया भारत का, क्योंकि पाकिस्तान ने झूठा दिलासा दिया भारत को, पहले कहा कि हम जितने भी यहाँ पर आतंकी हैं उन सबको पकड़ेंगे और जेल में डालेंगे, बट इस तरह का कुछ किया नहीं पाकिस्तान ने, इसीलिए पाकिस्तान के साथ रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।